सरोकार। मोदी सरकार में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, दुनिया में चमक रहा देश। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने दी देशवासियों को बधाई। लंबी वेटिंग लिस्ट से जनता त्रस्त, थरूर बोले इस समस्या पर ध्यान दे सरकार। वंदे भारत पर एक तरफा फोकस चिंताजनक। कांग्रेस विधायक के तृणमूल में जाने पर जयराम रमेश बोले ऐसे नहीं होगी विपक्षी एकता, आईएएस अधिकारी पर आरोप तय। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, अभिषेक बनर्जी के सहयोगी को ईडी ने गिरफ्तार किया, 350 करोड़ रुपए का है घोटाला। पंजाब की आप सरकार के मंत्री का इस्तीफा, अमृतसर से एमएलए निज्जर ने कुर्सी छोड़ी, बलकार और गुरमीत बन सकते हैं नए मंत्री। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सुल्तानपुर के जय सिंह तहसील के वीरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 100 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अनुसूचित जाति के बस्ती का भ्रमण कर लोगों से हालचाल भी जाना। इसके बाद जिला मुख्यालय बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जिले के जनप्रतिनिधियों के विचार विमर्श कर बैठक किया। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बुलंदशहर के ग्राम लक्ष्मणपुर में जलभराव और गंदे पानी को लेकर लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और गांव में इसके चलते काफी लोग बीमार हो रहे हैं। लगभग 2 महीने से पानी रोका गया है, जिससे गांव के लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। घरों में गंदा पानी भरता जा रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपील भी की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है। कम तो 2 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर पहले पानी कहाँ को जाता था? ये पानी अगाड़ा को जाता था। कब से? बहुत कब से, जब से हम तो पहले ही बड़े बूढ़े से आगा को देख रहे हैं, पानी को इंगा को जाता। आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। अच्छा, तो क्या समस्या है? समस्या पानी की समस्या जी। अच्छा, हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? पानी की समस्या। क्या बच्चे कॉलेज जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से? इसी रास्ते से जाते क्या? 2 दिन जावे और 2 दिन ना जावे बच्चे। लपट का गिर जाओ, कपड़ा कपड़ा फिर कहाँ लौट जाओ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ चुके हैं। विशाल, बुलंद शहर में जलभराव से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहा है जिसमें गंदे पानी से होकर लोग गुजर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंद शहर के अनुक्त ब्लॉक के गांव लक्ष्मणपुर का मामला, जहां जलभराव को लेकर काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और गंदे पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। जैसे स्कूल के बच्चे भी जाते हैं तो वो ड्रेस पहन के जाते हैं तो गंदे पानी में गिर जाते हैं, और ग्रामीणों उप जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। जी धन्यवाद विशाल तमाम जानकारियों के लिए। खबर गोंडा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के सीने में दर्द और उल्टी होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। जब परिजन पुलिस कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस लेकर आए तो पोस्टमार्टम हाउस बंद होने के चलते लगभग 3 घंटे तक बगल के जंगल में शव रखना पड़ा। फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे चाचा की डेथ हो गई, यहाँ गोंडा में काम करते थे, उनकी डेथ हो गई, मैं पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ पोस्टमार्टम ऑफिस बंद है, जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ और पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है, ना यहाँ कोई कर्मचारी आया है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो, मुझे सीतापुर जाना है। अच्छा, जो जिसकी बॉडी यहाँ जंगल में रखा हुआ है वो आपके कौन है? हमारे चाचा जी। कितने बजे से रखा है यहाँ? 10:30 बजे से। पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं? सर, मेरा नाम अमर सिंह है। हाँ। और हमारे संग में मिस्त्री सुरेश नाम है इनका।
हॉस्पिटल में काम कर रहे थे चंदीपुर में, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। फिर वहाँ से पुलिस को इतला किया गया, उसके बाद में वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया गोंडा में। हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पे हैं, कोई देखने तक अभी आया नहीं। तो आप लोग बॉडी ये जंगल में लेकर पड़े हैं, क्या वजह है सर? जब यहाँ कोई देखने ही नहीं आया, पहले रोड पे रखे, उसके बाद जब वहाँ पे धूप आ गई तो पेड़ की छांव में रखे। अच्छा, तो अभी तक कोई देखने तो चीर घर क्या बंद है क्या? जी, उसमें ताला लगा है। क्या लगता है, लापरवाही किसकी है सर? चीरघर का विजिट मैंने भी किया है कुछ दिन पहले। उस समय प्रकरण था कि डॉक्टर्स लोग क्लियर नाम नहीं लिख रहे थे, उनकी मोहर बनाने का आदेश मैंने दिया था और वहाँ जाके मैं जो केयर टेकर था उससे मिलकर भी आई थी। इस विषय में मेरे को ये कहना है कि जो केयर टेकर वहाँ का है उसका नंबर वहाँ इमिडिएटली हम प्रिंट करवाते हैं, टाइप कर आई मीन पेंट करवाते हैं कि जो भी परिजन है किसी का डेथ हुई है तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करके उस चौकीदार को इमिडिएटली बुलवा के खुलवाएं, बॉडी को सुरक्षित अंदर रखवाया जा सके। साथ ही बगल में जो और गोंडा से हमारे संवाददाता मुजीब आलम हमसे जुड़ चुके हैं। मुजीब, स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है, पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ा है परिजनों को, क्या कुछ पूरा मामला? ये आपको बता दें मयूर कि जिस तरीके से विजय पाठक जी डिप्टी सीएम जिस तरीके से दौरा करके हर जगह हर हॉस्पिटलों के सुरक्षा की और जितने भी इलाज है उस पर मुहैया कराते हैं कि इस पर कोई लापरवाही न हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 3 बॉडी वहाँ पे किस तरीके से ये लोग जंगल की तरीके से वहाँ पे छाव में कहीं बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे रखा जाता है, या सीएमएस या जितने भी डॉक्टर है वहाँ पे जिला अस्पताल के इस तरीके से लापरवाही देखने को मिलती है कि वहाँ पे कि जो परिजन आते हैं उनके परिजन में एक तो वैसे ही इतना पहाड़ टूट पड़ता है जिसके घर में मौत होती है और मौत के होने के बाद इस तरीके से ला करके वहाँ पे बॉडी को रखे रहते इंतजार करते रहते फोन करते रहते लेकिन ना तो कोई सुनने वाला ना ही कोई सुनाने वाला है। जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आती है आपको बार बार इसी तरीके से हम लोग यहाँ से जो है कलेक्ट करके विजुअल भेजते हैं कि यहाँ पे कोई भी कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती, ना जिला अधिकारी भी इससे तवज्जो देते हैं कि जिस तरीके से आज हो रहा है गोंडा में लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। जी मुझे जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है जंगल में सब रखे हैं परिजन, तो क्या इस पर कुछ एक्शन लिया गया? स्वास्थ्य विभाग का कोई बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है उनका? जी, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से हम लोगों ने बात की तो इस पे केयर टेकर के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है। जब वहाँ पे कोई आला अधिकारी या कोई कभी नहीं जाता है, आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस के अगल बगल झाड़ियां लगी हुई है वो आज तक कभी ना साफ होती ना ही कहीं टीन सेट डाला जाता है। जिस तरीके से जो परिजन आते हैं वो सड़क के किनारे ला करके वहीं पे ही बैठते हैं और उसके बाद भी वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं रहता कि इस पे क्या होना क्या नहीं होना, ये इतनी बड़ी लापरवाही आती है। जी जी धन्यवाद मुजीब हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद सीओ विकास प्रताप चौहान ने दोनों घायल युवकों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, वहीं पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर तलाश में जुट गए। गुलावटी थाना क्षेत्र के सनोटा गाँव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है, कैंटर आ रही थी उधर से और उधर से बंदा आ रहा है, इधर से जा रहा हूँ पता नहीं है, मैं यहाँ बैठा था और उसके पैर पे पूरी गाड़ी चढ़ी हुई है, पूरे मांस बिल्कुल ख़त्म है, हड्डी बड्डी अलग है उसकी, एक पैर की राइट हैंड की, और उसके बाद में एम्बुलेंस में डाला है, उसको ले गए हैं, खाट अपने अपनी दी है। और कैंटर ड्राइवर जो है वो फरार हो गया है? फरार होगा, गाड़ी उसकी खड़ी है। कुशीनगर में युवती की लाश मिलने के बाद घर वालों ने सड़क जाम करके जमकर हंगामा किया। घर वालों ने कुशीनगर के बुद्धा मार्ग को जाम किया, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, वहीं परिजनों का कहना है कि युवती कई दिनों से लापता थी और अब उसका शव मिला है, वहीं हत्या की आशंका जताते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि युवती लापता थी जिसके बाद उसके शव को बरामद किया गया, वहीं आक्रोशित परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर सड़क जाम किया, वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने परिजनों को समझाने की कोशिश की है। परिजनों का कि यही मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई।
बदायूं में उर्स मेले में अश्लील डांस करने का मामला सामने आया है। अश्लील डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो थाना इस्लाम नगर के निजी कस्बे का बताया जा रहा है। अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, बदायूं से ये खबर आपको बता रहे हैं। जहां उर्स मेले में बार बालाओं का ये अश्लीलता भरा वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, उर्स मेले का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से अश्लीलता भरा ये वीडियो वायरल हुआ है। बार बालाएं अश्लीलता भरा डांस करते हुए नजर आ रही हैं। कानपुर में पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने अपने दोनों भाइयों से पति की हत्या करवा डाली। भाइयों संग साजिश रच कर साढ़ थाना क्षेत्र के एक घरा गांव बुलाकर घटना को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं मृतक के पिता की तहरीर पर दोनों सालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए पत्नी पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद उतार कर जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।